राष्ट्रीय फ्रीडम पार्टी ने मुख्यमंत्री विभेद सिंह के खिलाफ अर्की से अपना पहला दावेदार पवन ठाकुर को उतारा है और जल्द ही विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दी जाएगी। ये बात पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आमलन विश्वास ने कही। उन्होंने कहा कि दोनों राजनीतिक दलों में अदला बदली का दौर चला हुआ है और जनता भी आज बदलाव चाहती है, इसीलिए वो तीसरा विकल्प बनकर नहीं बल्कि हिमाचल की जनता के समक्ष दूसरा विकल्प बनकर आना चाहते हैं, जिसकी शुरुआत उन्होंने हिमाचल से की है। उन्होंने कहा कि वह हर विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार उतारने वाले हैं। राष्ट्रीय संयोजक आमलन विश्वास ने कहा कि वह भूखमरी, तंग हाली और बेरोजगारी का मुद्दा लेकर चले हैं, जिसका उन्हें बहुत समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि आज विपक्ष अपनी भूमिका ठीक से नहीं निभा पा रहा है, जिसके चलते विवेकानंद फाउंडेशन संस्था को मजबूरन राजनीति में उतरना पड़ा ताकि हिमाचल की जनता के साथ हो रहे अन्याय को रोका जा सके और इस बार विपक्ष की भूमिका निभाकर सत्ताधारी पार्टी को सही मार्ग पर लाकर संसद और समाज के बीच की दूरियों को खत्म किया जा सके।